अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। एंड एज यू गाइस नो कि आईफोन एक बार नया मॉडल रिलीज़ कर रहा है जो कि आईफोन 12। बेसिकली इसके चार मॉडल्स होंगे, आईफोन 12, आईफोन 12 मैक्स, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स। आज हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे, इसके इंटरनल फंक्शंस की, इसमें रैम क्या है, चिपसेट कौन सी है, उसके कैमराज कैसे हैं और इस तरह की बेसिक चीज़ें। तो इनके डिस्प्लेज की बात की जाए तो आईफोन 12 और 12 मैक्स 6.1 और 5.4 इंचेस के स्क्रीन के साथ आएंगे। इसके बरक्स आईफोन 12 प्रो मैक्स और 12 मैक्स 6.1 और 6.7 इंच स्क्रीन के साथ आएंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन ये है कि ये सारे ओलेड डिस्प्लेज के साथ आएंगे। और इनके फ्रेम की बात की जाए तो साइड पे आईफोन 4 का स्टेनलेस स्टील का जो फ्रेम था आईफोन 12 में भी आपको वही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आईफोन 12 के अंदर जो भी इसके मॉडल्स हैं इसमें 5G की सर्विस मिलेगी, तो इस वजह से इसके जो 5G के एंटीनाज होंगे, जो साइड पर लाइंस होती हैं एंटीना लाइंस, वो थोड़ी थिकर हो सकती हैं। तो इसकी चिपसेट की बात की जाए तो आपको इसमें A14 का चिपसेट मिलेगा। आईफोन 12 और 12 मैक्स के अंदर आपको 4GB रैम मिलेगी और साथ क्योंकि वो लोअर एंड डिवाइसेज हैं, और 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के अंदर आपको 6GB की रैम मिलेगी। सो इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो आपको आईफोन 12 और 12 मैक्स के अंदर 64GB से अवेलेबल होना स्टार्ट होगा, और साथ ही आईफोन 12 और 12 प्रो मैक्स आपको 128GB से अवेलेबल होना स्टार्ट होगा। इसके साथ इसके मुकम्मल डिज़ाइन की बात की जाए तो जैसा कि आपने आईफोन 4 के साइड्स पे स्टेनलेस स्टील की फ्रेम्स देखे थे, इस तरह आईफोन 12 में भी आपको वैसे ही अवेल होगा। और फ्रंट और बैक पे आपको ग्लास मिलेगा जो कि ओलेड डिस्प्लेज के साथ आएगा, लेकिन जो इसे कर्व्स होंगे वो आईफोन 4 की नस्बत थोड़े कम होंगे। इससे कैमराज की बात की जाए तो आपको आईफोन 12 के अंदर आईफोन 11 से थोड़ा सा बड़ा कैमरा मिलेगा, क्योंकि आईफोन 12 में 3D कैमरा लेंस मौजूद है और इसका हर मॉडल आईफोन 12 हो 12 मैक्स हो अपनी रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अलावा आपको इस दफ़ा आईफोन 12 के अंदर ना तो हैंडफ्री मिलेगा ना ही चार्जर मिलेगा। चार्जर ना मिलने की वजह यह है कि आईफोन इस दफ़ा 5G की सर्विस लेके आया है, जो कि काफ़ी मोबाइल को महंगा बना देगा। अगर वो चार्जर भी ऐड कर देंगे उसके अंदर तो उसको अलहदा से लेना पड़ेगा आपको। फिर भी जो आईफोन 12 की प्राइस होगी पाकिस्तान में वो होगी $649, एंड जो आईफोन 12 मैक्स की प्राइस होगी वो होगी $749, और 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स होगा वो $1099 का आएगा। पाकिस्तान में PTA भी लगेगा, इसके अलावा चार्जर भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। सो फाइनल इसके रिलीज़ की बात की जाए तो आईफोन हमेशा अपना कोई भी डिवाइस है वो सितंबर में रिलीज़ करता है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग ये 1 या 2 महीने डिले हो सकता है, और इसकी शिपमेंट सुनने में आया कि 2021 तक भी डिले हो सकती है। सो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आईफोन 12 से रिलेटेड कलेक्ट की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।